हेलो दोस्तों, वापस मैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने आया हूं। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये वाली चीज़ तैयार करने वाला हूं। तो है काफ़ी सिंपल, लेकिन कई बार कुछ गलतियों के कारण ये चीज़ बन नहीं पाती है। तो मैं यहां पे डायोग्राम की मदद से आपको पहले समझा देता हूं। तो सबसे पहले 18x18 सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर पेपर कट करना है। उसके बाद बीच में जो लाइन दिख रही है पेंसिल की, उसको दोनों साइड से हमें फोल्ड करना है दरवाजे की बिल्कुल तरह, वैसे ही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से पेपर को फोल्ड करना है, वापस ओपन करना है और ट्रायंगल शेप में भी हमें पेपर को फोल्ड करना है और वापस ओपन करना है। और इस तरह से सेकंड लेवल पे हमें छोटा सा बॉक्स तैयार करना है। वो किस तरह से तैयार करते हैं फोल्ड करके, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा है, वो ट्रायंगल को हमें बाहर लाना है और बाकी का जो हिस्सा है वो पीछे दब जाएगा। तो बार बार हमें वही चीज़ रिपीट करनी है। और यहाँ पे भी जो बॉक्स आपको दिख रहा है, बस बिल्कुल उसी तरह से हमें ट्रायंगल को अप करना है और एक छोटा सा कलरिंग पेपर लेके उसके अंदर से ट्रायंगल निकाल के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ये पूरा डायोग्राम आप अच्छी तरह से देख लीजिए और हो सके तो ड्राइंग कर लीजिए, और उसी को देखकर मैं आपको समझाने का आगे प्रयास कर रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो चलो काम शुरू करें।
प्रोजेक्ट के साथ मैं इस वीडियो में आया हूं। तो यहां पर मेरे हाथ में एक डायोग्राम है जिसके अंदर 8x14 सेंटीमीटर के 4 पार्ट मैंने किए हैं। एक बॉक्स है टोटली 8x14 सेंटीमीटर का और यहां पे 2 सेंटीमीटर का मैंने माप लिया है। पहला बॉक्स खाली रखा है, बाकी के तीनों बॉक्स में क्रॉस लगा है। जो इस बॉक्स में क्रॉस लगा है उसे हमें काट देना है और इस तरह से हमें पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना है। ये एक्चुअली एक पॉकेट डायरी जैसा है और असाइनमेंट के अंदर काफ़ी यूजफुल है। तो मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए और प्रैक्टिकली देखिए कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। तो चलो काम शुरू करते हैं। Thank you.
Thank you.